हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के डेट पे एक टॉपिक है, वो है मिररलेस कैमरा। क्योंकि निकॉन ने 23rd को दिस मंथ एक मिररलेस कैमरा का सीरीज लॉन्च किया है जो है Z6 और Z7। तो उसके बारे में उसके फीचर्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मिररलेस कैमरा का जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आज के पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिररलेस कैमरा एक्चुअली में क्या होता है और क्यों हम लोग मिररलेस कैमरा चूज करेंगे, क्यों हम लोग मिररलेस कैमरा यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं मिररलेस कैमरा का एडवांटेज और क्या है मिररलेस कैमरा। मैं बिपाशा आपको और एक बार स्वागत करती हूँ हमारी इस चैनल में, द लुमियर एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी। मिररलेस कैमरा यानी कि इसमें मिरर नहीं रहता है। जो हम लोग DSLR कैमरा भी यूज करते हैं उसका जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट है वो है मिरर, क्योंकि मिरर में जाके थ्रू लेंस लाइट आती है और वहां से टकरा के वो लाइट पेंटोप्रिज्म में जाती है और रिफ्लेक्ट होके हम लोग व्यू फाइंडर से सब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी कुछ अलग है। यहाँ पे लाइट थ्रू लेंस तो आती है लेकिन आके डायरेक्टली टकराती है सेंसर से, और सेंसर के सामने जो शटर कर्टन रहता है वो हमेशा ओपन रहता है, ऑलवेज ओपन रहता है। इसीलिए डायरेक्टली लाइट सेंसर में आती है और सेंसर में आके इमेज जो है वो क्रिएट होती है। आप व्यू फाइंडर से इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू फाइंडर जो है वो भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे डिजिटल व्यू फाइंडर आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर या डिजिटल व्यू फाइंडर से आप सब्जेक्ट को जैसे क्लिक करना चाहेंगे या आपका जो क्लिक्ड फोटोग्राफ होगा वो जैसा होगा वैसा ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये है मिररलेस कैमरा। अभी मिररलेस कैमरा का एडवांटेज के बारे में चलिए बात करें। मिररलेस कैमरा में जो सबसे ज्यादा एडवांटेज मुझे दिखाई देता है वो है जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। इसके थ्रू आपको जैसा एक्सपोजर मिलेगा, जैसा एक्चुअल वाइट बैलेंस आपको आपके क्लिक फोटोग्राफ में मिलेगा वैसा ही आपको दिखाई देगा। यानी कि आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही क्लिक में आपको परफेक्ट फोटोग्राफ मिल सकता है। इससे आपको आपका जो टाइम है वो भी लॉस नहीं होगा। और बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग सेटिंग्स करते करते जो सब्जेक्ट है वो मूव हो जाता है और हम लोग क्लिक नहीं कर पाते, तो ये एडवांटेज हमको यहाँ पे मिल जाएगा कि हम लोग सही टाइम पे सही फोटोग्राफ क्लिक कर पाते हैं। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इमेज स्टेबिलाईजेशन, जो एक वीडियोग्राफर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो कैमरा का सेंसर रहेगा, जो मिररलेस कैमरा का सेंसर रहता है, उसी के थ्रू आपको इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलेगा, वही करता है। तो आपको किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि आपका जो इमेज स्टेबिलाईजेशन हो रहा है वो DSLR कैमरा से बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है आपको। तो ये आपका मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है मिररलेस कैमरा का। थर्ड पॉइंट के ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है जो DSLR कैमरा हम लोग यूज करते हैं वो थोड़ा सा हेवी होता है, थोड़ा बल्कि होता है, लेकिन यहाँ पे जो मिररलेस कैमरा रहता है वो थोड़ा लाइट वेट होता है। उसको यूज करना एक फोटोग्राफर के लिए बहुत इजी रहता है। और फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको फोकस जो है, ऑटो फोकस जो है वो बेटर मिलेगा DSLR से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वीडियोग्राफर के लिए भी। दोबारा से मैं ये बता रही हूँ कि वीडियोग्राफर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सेंसर है आपका, जो मिररलेस कैमरा का सेंसर रहता है, उसी के थ्रू जो ऑटो फोकसिंग है वो होता है। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा एरिया फोकसिंग में मिलेगा। और यहाँ पे जो टच स्क्रीन रहता है, ज्यादा से ज्यादा जो मिररलेस कैमरा रहता है उसमें टच स्क्रीन रहता है, तो आप अपने हिसाब से कहीं पर भी टच करके आप ऑटो फोकसिंग कर सकते हैं, इसलिए आपको परफेक्ट फोकस मिलेगा। और क्योंकि जो सेंसर है यही आपका जो फोकसिंग है वो कंट्रोल करता है, इसलिए आपको जो फोकस ट्रैकिंग है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये है फोर्थ एडवांटेज मिररलेस कैमरा का। एडवांटेज के बारे में बात करते करते यहाँ पे जो दो
डिसएडवांटेज मुझे लगा है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहला जो मिररलेस कैमरा में मुझे डिसएडवांटेज लगता है वो है इसका बैटरी जो है, बैटरी लाइफ ज्यादा नहीं होती, वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो एक फोटोग्राफर के लिए बहुत डिसएडवांटेज होगा क्योंकि उनको बहुत सारा बैटरी जो है वो कैरी करना पड़ेगा अगर आप मिररलेस कैमरे यूज करते हैं। और दूसरा जो है, आज हम लोग बात कर रहे हैं निकॉन की जेड सीरीज को लेके, जो मिररलेस कैमरा लॉन्च हुआ है उसको लेके, तो उसमें मुझे जो डिसएडवांटेज लगा है वो है इसमें जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट है वो एक है, दो मेमोरी कार्ड का मिनिमम स्लॉट होता तो एक फोटोग्राफर के लिए बहुत इजी रहता। तो ये था दोस्तों मिररलेस कैमरा का जो पहला पार्ट है डिस्कशन का, वो आज आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि आज के डिस्कशन में भी आपको और भी कुछ जानना है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके आंसर को लेकर जल्द से जल्द आपके पास आएंगे। और नेक्स्ट डे का जो सेशन रहेगा वो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे निकॉन के जेड सीरीज का जो फीचर्स है उसके बारे में। तो उसके बारे में आपको क्या क्या चीज जानना है वो भी हमें बताइएगा। आपको क्या लगता है कब हमारे हाथ में इंडिया में आके वो मिररलेस कैमरा जेड सीरीज का, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत दिन तक वेट किया, जेड 7 और जेड 6 को लेके बहुत एक्साइटेड है हम लोग भी, वो कब पहुंचेगा हमारे हाथ में और कितना प्राइस हो सकता है इसका, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर के साथ। जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आप सारे फोटोग्राफर्स के लिए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।